इस समय हम बिल्कुल एमएस स्टेडियम के बाहर है और आज 19 फरवरी 2024 का दिन है और कल माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी का जम्मू का दौरा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम जो है काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिए गए हैं। हाई अलर्ट इस समय कर दिया गया है और आपको बता दें कि इस समय हम बिल्कुल एमएस स्टेडियम के बाहर हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की टीम, ट्रैफिक पुलिस प्रशासन की टीम और भी अन्य प्रकार के जो आपको बताते कि विंग्स जो हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कल एमएस स्टेडियम में नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पहुँचेंगे और लोगों के लिए अच्छी सौगात जो है वो सुनाई जाएगी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और आपको बता दें कि ये आप सामने मेरे रेलिंग देख सकते हैं, यहाँ पर जो लोग आएंगे यहाँ से गुजर के जाएंगे और फिर यहाँ पर जब पहुँचेंगे वहाँ पर बिल्कुल सामने जहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस कर्मचारी तैनात हैं वहाँ पर चेकिंग होगी, उसी के बाद में जो लोग हैं अंदर जा पाएंगे। और इस समय की हम आपको जो विजुअल दिखा रहे हैं ये बिल्कुल एमएस स्टेडियम के बाहर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस प्रशासन और अलग अलग विंग्स के जो यहाँ पर लोग हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि कल पीएम नरेंद्र मोदी जी जम्मू पहुँचेंगे, उसी को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी जो की गई है। और आपको बता दें जो कल रूट्स होंगे, जो गाड़ियों के रूट्स होंगे, वो आपको गुजर नगर से जाना होगा और आपको भगवती नगर फोर्थ ब्रिज से जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि गाड़ियाँ जो हैं नहीं चलेंगी और फिर से आपको बता दें कि कल जो है गुजर नगर और भगवती नगर से आपको गाड़ियाँ अपनी वहाँ से ले जानी पड़ेंगी, यहाँ से जो है गाड़ियाँ कल आपको नहीं जाने दिए जाएंगी, यहाँ से आपको गाड़ियाँ नहीं जाएंगी कल यहाँ से। और आपको इस समय हम आपको बता दें कि ये वो रेलिंग है जहाँ से सब लोग आएंगे और चेक होगा, उसी के बाद में यहाँ से लोग एमएस स्टेडियम में एंटर कर सकेंगे और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की बात सुन सकेंगे। हम आपको पल पल की खबर विरासत न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे। मुझे आमिर इकबाल, मेरे को दीजिए इजाज़त, देखते रहें विरासत न्यूज़।